तृप्ति डिमरी बॉलीवुड की एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल और हार्डवर्क से फिल्म इंडस्ट्री में काफी अलग जगह बनाई है। तृप्ति ने अपने करियर की शुरुआत 2017 में फिल्म लैला मजनू से की थी। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग भले ही ज्यादा नहीं चल पाई लेकिन उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए काफी कड़ी मेहनत की। इसके अलावा तृप्ति अपने सोशल मीडिया पर अक्सर ही अपनी जिंदगी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को शेयर करती रहती हैं, जिससे यूथ के बीच उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है। आज की तारीख में वे एक मोटिवेशन बन चुकी हैं जो दिखाता है कि हार्डवर्क से कोई भी अपने सपनों को साकार कर सकता है। फिल्म एनिमल से तृप्ति डिमरी को इतनी पॉपुलैरिटी मिल चुकी है कि उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई है। फिल्म एनिमल में भाभी 2 के नाम से पॉपुलर हुई तृप्ति की इस साल कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जो रोमांस, थ्रिलर, सस्पेंस और हॉरर से भरपूर होंगी। एक्ट्रेस अपनी आने वाली फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो को लेकर आजकल काफी सुर्खियों में है। अब हाल ही में एक्ट्रेस ने बताया कि अपनी पहली फिल्म लैला मजनू की शूटिंग के दौरान वह घर जाकर रोती हैं। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जब वह मुंबई आई तो उन्हें एक्टिंग का ये भी नहीं पता था। हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में तृप्ति ने शेयर किया कि उन्हें शुरू में एक्टिंग का कोई शौक नहीं था और उन्होंने एक्टिंग करियर को कभी भी अपना ऑप्शन नहीं माना था। एक्ट्रेस ने कहा, मैं बस कुछ अलग करना चाहती थी। मैं कभी भी एकेडमिक में अच्छी नहीं थी। मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि मैं मॉडलिंग आजमाने जा रही हूँ। एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि उनके पेरेंट्स शुरू में उनके मुंबई जाने को लेकर काफी डरे हुए थे, खासकर क्योंकि वो एक शाय और बहुत ही इंट्रोवर्ट थी जिन्होंने कभी दिल्ली से बाहर कदम नहीं रखा था। वो पहले इंडस्ट्री या मॉडलिंग में एंटर करने के उनके फैसले से खुश भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने उन्हें आगे बढ़ाने का डिसीजन लिया ताकि बाद में उन्हें रिग्रेट ना हो। तृप्ति ने आगे ये भी बताया कि सालों बाद उन्हें 2017 की फिल्म पोस्टर बॉयज में छोटा मोटा रोल मिला था, लेकिन सनी देओल, बॉबी देओल और श्रेयस तलपड़े के साथ काम करना उनके लिए काफी मुश्किल था क्योंकि उन्हें एक्टिंग का ए नहीं पता था, इसलिए उनके अकॉर्डिंग उन्होंने इसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। आगे उन्होंने बताया कि लैला मजनू की शूटिंग के दौरान घर आकर मैं रोया करती थी। एक्ट्रेस ने कहा, मैं घर जाकर रोती थी ये सोचकर कि क्या मैं सही काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था कि वे क्या कह रहे हैं और उनकी भाषा क्या है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उनका एक हिस्सा फिल्म छोड़ देना चाहता था, लेकिन तृप्ति डिमरी ने कड़ी मेहनत के साथ इस फिल्म की शूटिंग को पूरा किया और लैला मजनू ने दर्शकों के बीच ऐसी जगह बनाई जो आज किसी भी फिल्म के लिए बनाना बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें कि इस फिल्म की पॉपुलैरिटी केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी ज्यादा देखी गई है। व्यूअर्स ने इसे एक अनोखी लव स्टोरी के रूप में एक्सेप्ट किया था जो कि हमेशा समय की कसौटी पर खरी उतरती है। लैला मजनू ने अपनी मजबूत स्टोरी, इमोशंस और म्यूजिक के मीडियम से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। ये फिल्म प्यार की ताकत को साफ साफ दिखाती है जो कभी खत्म नहीं होती और यही कारण है कि ये दर्शकों के बीच इतनी ज्यादा पॉपुलर बनी हुई है। आपको बता दें कि हाल ही में इस मूवी को रिलीज किया गया था जिस दौरान भी इस मूवी की पॉपुलैरिटी उतनी ही थी जितनी इसके शुरुआती दिनों में थी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।